एक और अहम खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का देशव्यापी उपवास जारी है। जंतर मंतर से संजय सिंह ने आज प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला, कहा गहरी साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। मोदी सरकार गहरी साजिश कर रही है और इसी के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से फंसाया गया है। बड़ी बात जो कही गई, मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, हैं और रहेंगे, आपको खत्म करने के उद्देश्य से ये फंसाया गया है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन शराब घोटाले को लेकर के देखिए कमेंट उन्होंने किया कि शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। इसको लेकर के पहले भी बीजेपी सवाल उठा चुकी है कि इस घोटाले को लेकर के कोर्ट ने कहा था कि कोई बात नहीं करेंगे। संजय सिंह जमानत की यह शर्त थी, उसका उल्लंघन कर रहे हैं संजय सिंह, सुनिए। जब मैं जेल से बाहर आया तो पहले दिन तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन जब साथियों से बात की, पूरी जानकारी मिली और पता चला कि कितनी बड़ी गहरी साजिश के तहत आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और गहरी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं, गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, दसवीं का बच्चा अगर सुनेगा, दसवीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। जरा ध्यान से सुनना और कार्यकर्ता साथियों, इसको घर घर में पहुंचाओ। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को, 162 गवाह ईडी के हैं, 162 गवाह, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 294 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों को मिला के 456 गवाह हैं, 456 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों ने मिलाकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 50,000 पन्ने की। और आपको मालूम है ये 456 गवाह और 50,000 पन्ने में केजरीवाल का नाम कितनी बार आया, कितनी बार आया, जोर से बोलिए, कितनी बार? 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। उन 4 गवाहों ने किन परिस्थितियों में, किस दबाव में और कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली की 2 करोड़ महान जनता और देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों के पास अगर वो फोटो हो मंगुंटा रेड्डी की तो मुझे जरूर दे दी जाए। साथियों और दोस्तों, 16 एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, दूसरा व्यक्ति है उसका बेटा राघव रेड्डी, तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, चौथा व्यक्ति है सी अरविंद, इन 4 लोगों ने नाम लिया। बात करते हैं मंगुंटा रेड्डी की। मंगुंटा रेड्डी के घर 16 सितंबर 2022 को ईडी छापेमारी करती है, कहते है केजरीवाल से क्या मिले थे आप, उसने कहा हां मिले थे। क्यों मिले थे? अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए थी। उसके बयान लिए गए, 10 फरवरी तक उसने कुछ नहीं कहा, तो उसके बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करके भाजपाइयों की ईडी ने जेल में डाल दिया। उसके बेटे से पूछा केजरीवाल का नाम ले,
पहली बार कहा नहीं लेंगे, दूसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब नहीं लेंगे, तीसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे नाम ले, चौथी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल से कोई मतलब नहीं तो कैसे नाम ले, पांचवी बार कहा नाम ले, नहीं लेंगे, सात छठवीं बार कहा नाम ले, उसने कहा नहीं लेंगे, छह बार नाम लिया, पांच महीने की जेल बीत गई तो बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो कमजोर पड़ गया, उसने सातवीं बार केजरीवाल का नाम ले लिया, सातवीं बार नाम ले लिया, कब लिया, 16 जुलाई 2023 को, 16 जुलाई 2023 को जैसे ही उसने नाम लिया अरविंद केजरीवाल को, 18 जुलाई 2023 को ईडी वालों ने कहा बेटा अब कोई दिक्कत नहीं है, जमानत पे छूटो घर जाओ, समझ गए, समझ गए मुकदमा, समझ गए मुकदमा, दसवीं का बच्चा पता लगा सकता है ना इस बात का कि फर्जी मुकदमा है। 16 जुलाई को जैसे ही नाम लिया, 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। 10 बयान बाप बेटे ने दिया, मंगुट्टा रेड्डी और राघव रेड्डी ने 10 बयान दिया, 10 बयान में बाप बेटे के अंतिम दो बयानों को ईडी वालों ने कहा यह सही है, कोर्ट के सामने रख दिया, 8 बयानों को छिपा के रख लिया, बोले अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है।